नमस्कार, मंजू कैंटीन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले चटनी। ये बनाना बहुत ही आसान है। तो धनिया पत्ती का हम चटनी बनाएंगे। इसे बड़े, टिक्की या फिर और भी कोई फलाहार जो हम खाते हैं व्रत का खाना, उसके साथ खाने के लिए हमें चटनी चाहिए होता है। एक धनिया पत्ती की चटनी हम इस तरह से बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल अच्छा मुलायम डंठल समेत धनिया पत्ती ले लेंगे। 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली या उसका पाउडर ले लेंगे। 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच दही और स्वादानुसार सेंधा नमक हम डाल देंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही टेस्टी धनिया पत्ती का चटनी। तो इसको बनाइए, खाइए। थैंक्स।